हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन इन कंपाउंड्स। हम डिस्कस कर रहे हैं टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिसकनेक्शन को, और उसी के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है जो कि है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन इन कंपाउंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ में इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के साथ में, जिसके अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है वो ये बोलता है कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और जब हम इसका डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो वो बहुत ही इजिली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनोलिक प्रोटोन होता है वो इजिली रिमूव हो जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो होता है इनोन, जो कि कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होते हैं, और इसी इनोन को हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस पहले पॉइंट के अंदर हमने देखा कि ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है ये हेल्प करता है हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन के अंदर। इसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो ये बोलता है कि ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इसके अंदर आपको एक कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा, और यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है जो कि आपको अल्फा और बीटा पोजिशन के बीच के अंदर दिखाई देगा। अब इसके बाद में क्या होगा, जब हम इस कंपाउंड का डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसका क्लीवेज होगा। इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है वो बोलता है कि फुल रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस के अंदर क्या होना चाहिए, जो इनोन है वहां पर हमें एफजीआई अप्लाई करना चाहिए, देन उसके बाद में डिस्कनेक्शन करवाना चाहिए। अब एफजीआई तब हम अप्लाई करते हैं जब हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर इंटरकन्वर्जन करना हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनोन के ऊपर एफजीआई अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इनोन है इसके ऊपर जब हम एफजीआई अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, जिसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका 1-3 डिस्कनेक्शन करवाएंगे। तो अब हमने इस रिएक्शन के अंदर क्या देखा, हमने पहले इनोन लिया, इसके ऊपर एफजीआई अप्लाई किया, देन उसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसे हम एल्डोल भी बोल सकते हैं। इसका क्या होता है, जब हम यहाँ पर कंडेंसेशन करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ये जो एल्डोल है इसे आइसोलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनोन है वो दो कंपोनेंट के अंदर ब्रेक हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इस रिएक्शन को शॉर्ट के अंदर लिखना चाहे तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनोन लिख के और यहाँ पर इसे दो कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर लेते हैं इनोन, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिस पर हम अप्लाई करेंगे फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन। के बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ दिखाई देता है और जो इनोन है वो कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का हम करवाएंगे 1-3 डिस्कनेक्शन। जब हम इसका 1-3 डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ये दो तरीके के सिंथोन, जो कि कैटायनिक और एनायनिक स्पेसिस होते हैं। अब इन सिंथोन को हम क्या कर सकते हैं, इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये है इन दोनों सिंथोन के सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो अब हम इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे इस पर्टिकुलर इनोन के सिंथेसिस के लिए। तो चलिए अब हम इसके सिंथेसिस प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो सिंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर लेंगे 2 मोल ये वाले हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जिसके हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका टारगेट जो मॉलिक्यूल है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एज ए टारगेट मॉलिक्यूल। इसका हम करवाते हैं 1-3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको सेकंड और थर्ड नंबर के बीच का जो कार्बन का बॉन्ड है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, और आपको यहाँ पर एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज देखने को मिलेंगे जिन्हें हम बोलेंगे सिंथोन। अब ये सिंथोन कन्वर्ट हो जाते हैं इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। अब यहाँ पर ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो आपको दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, और अब हम क्या करेंगे, इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर ये हमारे सिंथेसिस की प्रोसेस, जिसके अंदर हमने 2 मोल यहाँ पर सिंथेटिक इक्विवेलेंट के लिए हैं, जिसके हमने रिएक्शन करवाई है बेस के साथ में, और बेस के साथ में रिएक्शन करवाने पर आपको कुछ इस तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर 1-3 डिस्कनेक्शन अप्लाई करते हैं और किस तरीके से उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन करते हैं, देन उसके बाद में इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हुए हम उसका सिंथेसिस भी कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।